ओपन अप बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं सिर्फ व्हाट्सएप यूज करके आप अपना बिजनेस कई गुना बढ़ा सकते हैं। हजारों बिजनेसमैन इस ऐप को यूज कर रहे हैं। आप भी अभी डाउनलोड करें ओपन अप ऐप, इंडिया का बिजनेस सोशल नेटवर्क। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फरारी नंबर वन स्पोर्ट्स कार। 1939 में एंजो फरारी इटली में स्पीड और टेक्नोलॉजी के लिए पहचानी जाने वाली स्पोर्ट्स कार फरारी का निर्माण हुआ था। इनकी कारें खरीदना हर कार प्रेमी का सपना होता है। 18 फरवरी 1898 इटली ने एंजो फरारी का जन्म हुआ था। बचपन से ही कारों के शौकीन 10 साल की उम्र में उनके पिता के साथ कार रेस देखने गए और तभी उन्होंने निश्चय किया कि बड़े होकर रेसिंग ड्राइवर बनेंगे। मॉडेना कॉलेज से ग्रेजुएशन की और फिर फायर ब्रिगेड वर्कशॉप स्कूल में टीचर बन गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल होने के लिए उन्होंने इटालियन आर्मी ज्वाइन की। 1916 में वाइडस्प्रेड इटालियन फ्लू ने उनके भाई और पिता को गिरफ्त में ले लिया और दोनों चल बसे। परिवार की आर्थिक हालत भी खराब हो गई। वॉर के खत्म होने पर वे फिर से नौकरी की तलाश में निकल गए। कारों का जबरदस्त शौक होने की वजह से उन्हें नॉलेज बहुत थी, इसीलिए काफी मेहनत के बाद उन्हें इटली के शहर तुरीना के एक मोटर कंपनी में टेस्ट ड्राइवर की नौकरी मिल गई। 1919 में उनका सपना पूरा तब हुआ जब उनके टैलेंट को देखते हुए उन्हें रेसिंग ड्राइवर बना दिया गया। कुछ सालों तक बहुत सारे रेसेस में पार्टिसिपेट किया और कई जीत भी हासिल की। 1925 में एक साथी ड्राइवर की मौत से बेहद डर गए और कार रेस से उनका मन हट गया। फिर 1932 में उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला किया, तभी उनके बेटे का भी जन्म हुआ। फिर अल्फा रोमियो कार कंपनी में मैनेजमेंट और डेवलपमेंट देखने लगे। 1939 में ओटो एवियो कैस्ट्रुजिनियो नाम से अपनी खुद की कंपनी खोली जो दूसरी रेसिंग कार टीम को पार्ट सप्लाई करती थी। वे अपनी कंपनी का नाम फरारी रखना चाहते थे, लेकिन अल्फा रोमियो से एग्रीमेंट के मुताबिक अगले 4 साल तक वो अपनी कंपनी का नाम फरारी नहीं रख सकते थे। 1946 में वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी के लिए कार डिजाइन करने की शुरुआत की। 1947 में 125S के नाम से स्पोर्ट्स कार लॉन्च की, जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया और उनकी बनाई कार रेसेस में भी पार्टिसिपेट करने लगी। 1951 में फरारी कंपनी ने अपना पहला ग्रैंड प्रिक्स जीता और लोग इसकी कंपनी को जान गए और इसके बाद तो पीछे मुड़कर देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इनकी कारों की बिक्री बढ़ती रही और आज इसके डिजाइन और स्पीड के लिए स्पोर्ट्स कारों की गिनती में फरारी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। कुछ करने की चाह हो अगर तो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। अभी डाउनलोड करें ओपन अप ऐप, इंडिया का बिजनेस सोशल नेटवर्क। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।